अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बादली हलके से कांग्रेस के कद्दावर नेता कुलदीप वत्स ने आज झज्जर की अनाज मंडी में एक रैली का आयोजन किया, जिसको देख गदगद हुए दीपेंद्र हुड्डा ने उन्हें शाबाशी दी और कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है, आप काम करते रहिए और जनता की सेवा करते रहिए। रैली स्थल पर पहुंचते ही दीपेंद्र हुड्डा का जोरदार स्वागत किया गया। महिलाओं व बुजुर्गों ने जहां दीपेंद्र हुड्डा को आशीर्वाद दिया, वहीं युवाओं ने जोश भरकर दीपेंद्र हुड्डा व भूपेंद्र हुड्डा तथा कांग्रेस की जयकारे लगाए। इस अवसर पर मंच पर जनता को संबोधित करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमने अपने शासन काल में कभी भाईचारे को नहीं बिगड़ने दिया, जबकि बीजेपी सरकार ने हरियाणा को कई बार जलाया है। उन्होंने कहा कि शासन करे लेकिन भाईचारे को न बिगड़ने दे। वहीं बाढ़सा में एम्स 2 को अमेठी में ले जाने पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार को चाहिए कि अमेठी में नए सिरे से एम्स का उद्घाटन करे, ना कि बाढ़सा से एम्स को उठाया जाए। वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि अब उनका वादा कहां गया कि जब उन्होंने कहा था कि हम रोजगार के साधन मुहैया कराएंगे, लेकिन आज रोजगार के लिए युवा दर दर भटक रहा है। वहीं उन्होंने आज बुजुर्गों से सलाह लेते हुए कहा कि आपसे सलाह लेने के बाद ही हम विजय सिरी का डंका बजाएंगे। जिस घड़ी का आपको इंतजार था, नाव के साथ और तालियों के साथ आपके अपने बेटे, आपके भाई और हिंदुस्तान की किसी का नाम आए तो मेरे को बता देना, मैं ले लूंगा। बीच में भी
सभी पिता के समान मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी मेरी माताएं बहन हैं। आज के ऐसे समय में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है जब चुनाव ने दस्तक दे दी। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव कुछ दिनों के बाद हरियाणा का फैसला अब आपके हाथ में आएगा। हरियाणा की राजनीति किस दिशा में जाएगी, हरियाणा की राजनीति आज चौराहे पे कहां आगे बढ़ी होगी, उन चौराहे से किस तरफ जाएगी, उसका फैसला आपके हाथ में आ गया है। आपकी तरफ जाएगी उन चौराहे से या किसी और तरफ चली जाएगी, उसका फैसला आज आपके हाथ में आएगा। 5 साल पहले बड़े विश्वास के साथ ये सरकार बनी थी, केंद्र की भी सरकार और प्रदेश की सरकार, बड़े वायदों के साथ ये सरकार बनी। भले ही 5 वर्ष के अंदर उन वायदों को झूठ की झूठों की संज्ञा दी गई और देश में और हमारे प्रदेश में झूठ की और फूट की राजनीति का मंजर आपने देखा। बड़े वायदे किए गए थे, कहा गया था कि काला धन आएगा, 15 लाख बैंक खाते में आएंगे, स्वामीनाथन कमीशन लागू करेंगे, किसान की फसल का भाव दुगना करेंगे, किसान की आमदनी को दुगना करेंगे, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दिलवाएंगे, यानी कि हर दूसरे घर के अंदर नौकरी दिलवाएंगे, महंगाई को कम कराएंगे, डीजल और गैस उस समय 50 से 40 रुपए किलो थी उसको और सस्ता कराएंगे, अच्छे दिन लेके आएंगे। मैंने सवाल पूछा लोकसभा में वो अच्छे दिन कब आएंगे, जवाब मिला की तारीख नहीं बताएंगे। जैसे राम भगवान राम को हम इलेक्शन में याद करते हैं, ऐसे अच्छे दिनों को भी इलेक्शन में ही याद करेंगे, अच्छे दिनों के लिए आप इलेक्शन में ही दिलवाएंगे, भगवान में भूल जाएंगे। और यही कारण है केंद्र सरकार की लोकप्रियता के बारे में बताना चाहता हूँ। ये केंद्र की सरकार जो राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, ये वो 3 प्रदेश है जिनमें सारी सीट बीजेपी की, राजस्थान की 25 की 25 सीट बीजेपी की, 2014 में मध्य प्रदेश में 2 सीट कांग्रेस की, छत्तीसगढ़ में सारी सीट बीजेपी की। 2014 में बीजेपी की ज्यादातर सीट या तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात से आई या यूपी और बिहार से आई। अभी पिछले महीने चुनाव हुए इन 3 प्रदेशों में और नतीजा आया, लोगों ने एक ही दिन बीजेपी की सरकार को 3 प्रदेशों में चित करने का काम किया और कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनाने का काम किया इन 3 प्रदेशों में, जहां लहर लगी थी, पानी लगी थी बीजेपी की सांसदों को। और यूपी और बिहार में तो किस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां बन रही है वो आपके सामने है। ये तो केंद्र सरकार की गिनती हुई लोकप्रियता का नजारा है। जहां तक प्रदेश सरकार की बात है, सेंट्रल सरकार की, इन्होंने तो हरियाणा को आगे लेके जाने के बजाय पीछे लेके जाने का काम किया। आप खट्टर साहब आए और कह रहे थे कि इस लोकसभा चुनाव में आपका क्या निशाना होगा, आपका क्या लक्ष्य होगा। उनका जवाब था रोहतक में आए, रोहतक में कार्यकर्ता की सभा की और उसने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में हमारा एक निशाना है। आप कोई बताए उनका क्या निशाना है, क्या हमारा एक निशाना है जो बता रहे थे कि ये दिवंगत प्राइवेट लिमिटेड का बच्चा है और इस दिवंगत को घर बिठाना है, ये हमारा लोकसभा में एक ही हमारा मकसद है। अरे भाई घर बिठाना है क्या, रिटायर कराना है इसको, रिटायरमेंट पर भेजना है। हरियाणा सरकार में भर्ती की उम्र 41 की होती है, अभी तो मेरी भर्ती की उम्र की कसर रह गई है, तो रिटायरमेंट की बात कर रहे रिटायर कराना है। ऐसी कंपनियां आएंगी, छत्तीस बिरादरी का
चाहे किसान के
क्योंकि कोई काम शुरू करते हैं तो अपने घर परिवार से सलाह लेकर शुरुआत करते हैं। आप कहो तो छुट्टी बोल दें, चुनाव के अंदर ही आ जाए। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी आप सुन लो, ये इलेक्शन बाद भी हल्के की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इस इलेक्शन में, फिर दोबारा से कांग्रेस नेता कुलदीप वत्स को भारी जन समर्थन जुटाने के लिए बधाई दी। झज्जर से विजेंद्र मलिक व गौरव के साथ संजय थराण की रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।